हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम अपनी ब्यूटिफिकेशन की जो वीडियोज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए ये फोर्थ वीडियो है हमारी जिसे हम दिखाने वाले हैं। और अगर आप ये सामने देखें तो ये मोती बाग का स्ट्रेच है जहाँ पर ये ब्यूटिफिकेशन हुआ है। सामने मोती बाग का मेट्रो स्टेशन है और उसके साथ में ही ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। 6.5 to 8 किलोमीटर्स का डेवलपमेंट है। यहाँ से मायापुरी जाता है। सामने आप देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं योलो की तरफ से। हर जगह पर दिल्ली के अंदर ये इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स आपको मिल जाएंगी। और ये जो फ्लाईओवर जा रहा है ये है मोती बाग का फ्लाईओवर और यहाँ से ये स्ट्रेच रोड है। आप देखें तो ग्रीनरी बहुत है, वर्टिकल गार्डन भी यहाँ पे बनाए गए हैं और सामने आप देखें तो ये पौधे और फ्लावर्स भी लगाए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली बनाने की कोशिश की जा रही है और मेंटेन भी किया जा रहा है। हरियाली पे काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है इन प्रोजेक्ट्स में। ये देखें तो आप काफ़ी अच्छे फ्लावर टाइप पौधे लगाए गए हैं और अलग अलग डिज़ाइन के यहाँ पे प्लांट्स भी लगाए गए हैं। अगर आप सामने देखें तो ये बहुत ही अलग सा और ब्यूटीफुल सा प्लांट है, काफ़ी अच्छा लगता है। और ऊपर लाइटें भी यहाँ पे बहुत ही अलग गोल सर्कल में लगाई गई हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देती हैं। रात के वक्त काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है। लेफ्ट में अगर आप देखें तो साइकिल का ट्रैक है, सामने पेडेस्ट्रियल का ट्रैक है। आज की ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में होने वाली है क्योंकि ये जो स्ट्रेच है काफ़ी लंबा है, तो हम कोशिश करेंगे आपको ये दोनों के दोनों जो स्ट्रेचेज हैं पूरे तरीके से दिखाएं। ये पूरा जो ब्यूटिफिकेशन हुआ ये 8.5 किलोमीटर्स का हुआ है और यहाँ पे जितने भी ये पिलर्स हैं मेट्रो के ट्रैक हैं यहाँ पर आपको वर्टिकल गार्डन हर पिलर पे मिलेगा। एंड ये लाइटिंग के पिलर्स हैं यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। अगर आप पहले इन जगहों पे आए होते साइड वॉक्स पे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डस्टी और गंदगी नज़र आती, बट अब विद टाइम इस जगह को बिल्कुल रीडेवलप कर दिया गया है। और अगर आप देखें तो काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, क्लीननेस अच्छी है और जिस तरीके का डिज़ाइन बनाया गया है काफ़ी ओपन लुक देता है। पेडेस्ट्रियल्स के लिए काफ़ी अच्छा लगता है, वॉकिंग करने में मज़ा आता है, साथ में ट्रैफिक भी है। एंड ये देखें आप तो बहुत ही ज़्यादा वाइड भी है और ओपन भी है। और यहाँ सामने से ये पैदल पार पथ है जिससे आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं। और इसमें एक बड़ी यूनिक बात यह है कि यहाँ पर जो फ्लोरिंग है ऊपर अगर आप जाएंगे तो वुडन फ्लोरिंग का यूज़ किया गया है पैदल पार पथ पे और डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया गया है। ये है इनर रिंग रोड जो कि 56 किलोमीटर की रोड है, काफ़ी लंबी रोड है और इस पर बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया है। अभी आप रोड के दूसरी तरफ भी देखेंगे और ये सामने अगर देखें तो ये वुडन फ्लोरिंग है। बहुत कम ही जो पैदल पार पथ हैं उन पर ऐसा डिज़ाइन आता है। कोशिश की जा रही है कि यूरोपियन जो डिज़ाइन है उसको मद्देनज़र रखा जाए। और सामने भी अगर आप देखें तो काफ़ी लंबा इस तरफ भी ये वॉकवे है और जैसे हम इससे आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी मिलेगा। और सीटिंग के भी बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे बनाए गए हैं, आप आराम से बैठ सकते हैं। ये स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है और जो फ्लोरिंग है वो वुडन है। आप देखें तो दोनों तरफ साइकिल ट्रैक है और डिज़ाइन ब्यूटिफिकेशन दोनों तरफ हुआ है, हम वहाँ भी जाएंगे। एंड ये जो जगह है ये मोती बाग का स्ट्रेच है और ये सारा जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ओपन वाइड और क्लियर व्यू देता है आपको दिल्ली किस तरीके से रीडेवलप हो रही है। ये जो रास्ता है आगे सीधा आगे ये जाता है सरोजिनी नगर, लाजपत नगर और एम्स की तरफ। साउथ एक्स भी आगे आता है, महारानी बाग भी चला जाता है और आखिर में नोएडा भी जाता है। तो ये रोड वहाँ तक जाती है। दूर आपको जो दिख रहा है वो मेट्रो स्टेशन है जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। दिल्ली के अंदर ऐसे जो 16 स्ट्रेचेज हैं उनको रीडिज़ाइन कर दिया गया है और आगे के भी जो फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें भी रीडिज़ाइन किया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी ये डिज़ाइंस हैं इनके अंदर सिटिंग एरिया रहे, डिज़ाइनर बेंचेस रहे, एक आर्टिस्टिक यूनिक तरीके के डिज़ाइन की भी एक झलक रहे। आप देखें तो ये सामने बनाने जाने की कोशिश की जा रही है और ग्रीन कवर सबसे ज़्यादा रहे, उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखी गई है। साइकिल ट्रैक होना चाहिए, वाटर ATM भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और यहाँ लेफ्ट में अगर आप देखें ये जो है ये फ्लैट्स हैं, गवर्नमेंट एकोमोडेशन है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। यहाँ का ये सारा एरिया मोती बाग का एरिया कहा जाता है।
ये जितनी भी ब्यूटिफिकेशन हो रही है दिल्ली की, जो हमने पिछली 4-5 वीडियोस में आपको दिखाया है, इनको देख के लगता है कि समय के साथ ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं, ये होती रही तो दिल्ली डेफिनेटली उस मकाम पर पहुंच जाएगी जहां पर इंडिया की कैपिटल को होना चाहिए। ये जो सामने रोड है ये अंदर कॉलोनी के अंदर चली जाती है, और आप देखें ये जो अलग अलग तरीके के यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस खूबसूरती को बढ़ाता है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने इससे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए। दिल्ली के अंदर बहुत समय से ज़रूरत थी कि दिल्ली के जो साइड वॉक्स का एरिया है, फुटपाथ का एरिया है, वहाँ पर लोग आराम से चल सके, साइकिलिंग हो सके। और अब जब ये डिज़ाइंस बन गए हैं तो आप देख सकते हैं कि साइकिलिंग करना और वॉकिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। इस तरफ ये पेड़ भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको शेड में साइकिलिंग करने का या वॉकिंग करने का मौका मिलता है। दिल्ली के अंदर इन जो प्रोजेक्ट्स की सफलता के बाद जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि अगले फेज में 100 रोड्स, जो कि लगभग 274 किलोमीटर की रोड्स होने वाली हैं, 274, उन पर भी ये प्रोजेक्ट्स ऐसे ही रीडेवलपमेंट और रीडिज़ाइनिंग की जाएगी। यहाँ पे फ्लोरिंग के लिए भी ग्रेनाइट या सैंडस्टोन के जो पत्थर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमने पिछले प्रोजेक्ट भी दिखाए थे। और ये जो आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली बनाए गए पिलर्स हैं लाइटिंग के लिए। ग्रीनरी जैसे मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। और अभी तक हम लगभग 10 से 15 मिनट की वॉकिंग कर चुके हैं, और आप देखें तो हर तरफ हमें बहुत ही अच्छा क्लीनिंग, वेल मेंटेन्ड मिला है। आप ग्रीनरी भी देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लगाई गई है, और सामने देखें तो बहुत पीसफुल सा आपको एक महसूस होता है। यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए भी क्राउड नहीं है तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता है। जो पेडेस्ट्रियल फ्री जो एरिया है वो सच में बन चुका है, एंड ये जो है ये सिटिंग एरिया है, ये काफ़ी ब्यूटीफुली बनाए गए हैं अलग डिज़ाइन में, अगेन यूनिक तरीके से। हमारी ये जर्नी यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।